हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल मोना क्रोशे। इस वीडियो में आज मैं बनाने वाली हूं एक हिडन कीचेन जो आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 6 चेन से। तो 6 चेन आपको बनानी है, उसके बाद आपको स्लिप स्टिच करना है लास्ट चेन में इस तरीके से। इससे आपका एक सर्कल बन जाएगा जिसमें आप स्टिचेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगनर्स जो हैं वो धीरे धीरे पॉज कर करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको इसी सर्कल में 6 सिंगल स्टिच बनानी है। सिंगल स्टिच का वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देखिए। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं, वो भी जाके देखिए। सिंगल स्टिच आपको सीखना ज़रूरी है। इस सर्कल में हमें 6 बनाने हैं, इसके बाद आपको स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरीके से हमें पूरा सर्कल कवर करना है स्टिचेस से। धीरे धीरे आप पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप सिंगल स्टिच कैसे बनता है वो आप पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये हो गया स्लिप स्टिच, लास्ट स्टिच में आपको करना है। ये मैंने कर दिया है। अभी ये फर्स्ट सर्कल है आपका, देन ये आपका सेकंड सर्कल है। तो एक ही चेन में, एक ही प्लेस में जहां हमने स्लिप स्टिच किया है वहां आपको सिंगल स्टिच बनानी है। और आप चाहे तो स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी सेफ्टी पिन जो होती है घर में आप उसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप के स्टिच मार्कर मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको हर एक स्टिच में जो आपने 6 बनाई है उसे आपको 12 करनी है। हर एक चेन में 2 2 सिंगल क्रोशे स्टिच आपको बनानी है। तो ये थोड़ा सा मोड़ेगा क्योंकि हमको थोड़ा सा कटोरी शेप में इसे बनाना है। तो ये हमारा सर्कल धीरे धीरे तैयार होते जाएगा सिंगल क्रोशेट स्टिच से, एक ही स्टिच में डबल करने के बाद। जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। साथ ही मैं बता दूँ, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें तक भी क्रोशिया से रिलेटेड मैं बताती रहती हूँ, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ लाइक कीजिए, और किसी भी लेडी को या जिससे भी सीखना है आप उसको जाके शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है कि हमें और भी लोगों को सिखाने का भी मौका मिलता है। आप फ्री में भी उसे सिखा सकते हैं, ये मैं फ्री में ही कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम इन्हें गिन लेते हैं। आपको गिन के ही सारी स्टिचेस बनानी होती है जिससे कि ये परफेक्ट बने। तो इसे पूरे कंप्लीट आपको 12 करने हैं क्योंकि सबसे पहले हमने 6 बनाए थे। तो ये मैं गिन गिन के करती हूँ, और आपको भी करना है, जितने बिगनर्स हैं उन्हें भी करना है। और आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, अपनी एक डायरी बना लीजिए। इसके बाद आपको जहाँ पर आपने स्टिच मार्कर किया है, जब आपके कंप्लीट हो जाए 12, तो आपको ये स्लिप स्टिच करना है। ये हो गया स्लिप स्टिच, ये सेकंड सर्कल कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, और सेम प्लेस पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो ये एक बना है और ये दूसरा बन गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें 1 स्टिच बनाना है सिंगल क्रोशिया की। ये स्टिच मार्कर हमें लगाना है ताकि याद रहे कि हमें यहीं पर स्लिप स्टिच करना है। अभी हम ये नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अभी यहाँ पर जो सेकंड नंबर का है उसमें हमें 2 बनाने हैं। तो 2 सिंगल क्रोशिया जैसे हमने पहले बनाया था वैसे अभी बनाएंगे, और रिपीट हम नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये सेट बनेगा
2121 का। तो सभी बिगनर्स अगर नहीं जानते हैं वो पहली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। और सर्कल को इनक्रीज़ कैसे किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेट जो हम पूरे सर्कल में रिपीट करेंगे, 2121 ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट करना है ऐसे स्लिप स्टिच करके। हम ये सर्कल भी पूरा कर देते हैं, ये स्टिच मार्कर हटाएंगे और सेम जगह पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच और ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे आपको कटोरी शेप में आपको ये मिल जाएगा। तो चेन बनाएंगे हम फिर से, वन चेन आपको हमेशा बनानी है। और सिंगल क्रोशिया के जब जब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तब तब, और सेम प्लेस पे हमें डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया दो बनानी है। तो ये एक बनाया और एक और बनाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर लगातार एक एक सिंगल क्रोशिया दो अलग अलग स्टिच में बनानी है। देन फिर हम दो जो सिंगल क्रोशिया वो एक ही स्टिच में बनाएंगे। तो यहाँ पर दो एक एक का पेयर चलता रहेगा, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। आप वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हैं। यह लास्ट स्टिच के बाद हमें स्लिप स्टिच कर देना है, इसमें एक ही स्टिच आएगा और ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। सॉरी, लास्ट के दो स्टिच रहेंगे उसके बाद स्लिप स्टिच करना है। तो इसके बाद हम दो एक एक का टू वन 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 ऐसा हम सेट बनाएंगे। तो हम एक चेन से स्टार्ट करते हैं फिर से, और जैसे हमने नीचे वाला सेट बनाया था वैसे ऊपर वाला भी एक और बनाएंगे। तो इसमें सेम जगह पे हमें दो सिंगल क्रोशिया स्टिच बनानी है। तो ये हमने बनाई, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया रहेगा, देन नेक्स्ट स्टिच पे एक और सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया थर्ड स्टिच पे रहेगा। तो ऐसे हमें 2111 का सेट बनाना है। अभी हम फिर से रिपीट करेंगे, दो एक ही सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनानी है, दो सिंगल क्रोशिया। देन अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट 1222 का सेट बनाएंगे, जैसे ये बनाया है सेम ऐसे ही आपको एक और यहाँ पर तीन स्टिचेस में कवर करना है। ये पहला, और यहाँ पर अभी हम दूसरा बनाएंगे और एक और हम बनाएंगे तीसरा, और इसके बाद हम यहाँ पर दो बनाएंगे। स्टार्टिंग हमें दो से ही करनी है हर राउंड में। तो ये हमेशा आपको दो सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में डाल के स्टार्ट करना है, ऐसे ही हमारा पूरा राउंड बनेगा। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम आपको मिलते हैं। यहाँ अभी हम लास्ट में आ गए और अब स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये स्लिप स्टिच कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें हमेशा राउंड ख़त्म करने के पहले सिंगल सिंगल ही रहेगा।
जिस जैसे हमने पहले किया था वैसे ही आपको सिंगल वन वन करके जो सिंगल क्रोशिया है वो छोड़ने हैं। स्टार्टिंग दो सिंगल क्रोशिया से होगा एक ही स्टिच में, और ख़त्म राउंड हमारा सिंगल क्रोशिया में होगा, एक वन ओनली वन सिंगल क्रोशिया में होगा। अभी हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये रहेगा हमारा फुल राउंड सिंगल क्रोशिया से, तो आपको ये पूरा का पूरा सिंगल क्रोशिया में राउंड करते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। ये ऐसे, इस पर कोई डबल और एक का नहीं रहेगा, इसमें पूरा सिंगल सिंगल हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया रहेगा। तो ये चलते जाना है और पूरा फुल राउंड कवर करना है। यहाँ पे ये राउंड आपको ख़त्म करना है, सॉरी ये जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म करना है, तो इसलिए हम पूरा सिंगल क्रोशिया से कवर कर देंगे जिससे कटोरी नुमा आकार हमें मिल जाएगा। तो ये लास्ट स्टिच है, स्टिच करने के बाद हमें स्लिप स्टिच कर देना और ये बंद कर देना है और कलर को चेंज करना है अभी हमें। आप चाहे तो इसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा फ़ोटो में फर्स्ट नंबर की क्लिप में जिसमें मैंने पर्पल चेंज किया है, तो हम पर्पल कलर को चेंज कर देंगे। तो जिसे धागा चेंज करना नहीं आता है वो भी जाके देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ वो ये है। इसमें आपको सिंपल धागा काट लेना है पहले वाला, फिर जैसे आपने अभी सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड बनाया है वैसे आप कोई सी भी स्टिच से लेकर आप धागा चेंज करके गठान बांध के, अगर बिगिनर्स है तो गठान बांध सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे मैं कर रही हूँ पुल करके खींच के, और उसको एक एक उंगली से आपको पकड़ना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे करके पुल करके एक चेन बनाएंगे, और दोबारा सेम जगह पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एज इट इज़ ऐसे, और पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया से कवर कर देंगे। तो यही कलर हमारा सिंगल क्रोशिया का 2 से 3 इंच तक जाएगा, और जिसमें कि इसकी पूरी बॉडी बन जाएगी, और जितना बड़ा बनाना है आपकी चेन के हिसाब से आप उतना बना सकते हैं। तो ये मैं बनाते जा रही हूँ, आगे आप देखिए। ये कंप्लीट हो गया है, इसका धागा हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें जो इसका लूप है जो हमें कि मैं उसको लगाना है वो हम बनाएंगे, तो वो सिंपल चेन है तो आपको जितना भी रिक्वायर्ड यानी जितना भी लंबा चाहिए चेन उसकी लेंथ वो आप अपने हिसाब से रखिए। चेन मैंने वैसे 60 ली है, 60, तो आप वैसे बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, और काफ़ी बड़ी भी बना सकते हैं, जिसको आप बैग में भी लटका सकते हैं और कार में हैंग भी कर सकते हैं अगर आपको की चेन नहीं बनाना है। मैं अपने की के लिए बना रही हूँ, तो ये हमने 60 चेन के साथ इसको बना लिया है, और इसमें हम चाबी को लटकाएंगे। तो ये है, और इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। किसी भी पतले क्रोशिया से आपको इसको ऐसे पुल करना है, ये ऐसे खींचना है, तो ये दोनों धागे आपके निकल के आ जाएंगे। ये ऐसे आप चाबी को बाहर अंदर कर सकते हैं। अभी चलिए हम आइस बनाएंगे, तो इसके लिए हम 6 सिंगल क्रोशिया स्टिच लेंगे मैजिक सर्कल में,
एक चेन के साथ। तो ये वन चेन बनाया है, 6 सिंगल क्रोशिया बनाया है। देन उसके बाद आपको डबल क्रोशिया एवरी स्टिच में आपको बनाना है। तो ये रिपीट मैंने पहले भी किया है, तो आगे मेरे और भी ओल्ड वीडियो आप देख सकते हैं और इसके पहले का पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो सेम है, जिससे कि सर्कल एक बन जाता है आइस का, और उसके बाद आप गूगली आइस चिपका के इसको बना सकते हैं। किसी भी कार्टून कैरेक्टर को बनाने के लिए आप उसके पहले आईबॉल का पार्ट बना सकते हैं, ये वही है। तो इसके और भी जो पार्ट है मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं कि कैसे इसको इंक्रीज करते हैं, ये सेम वैसे ही बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें गूगली आइस कैसे लगाते हैं। अभी यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ऐसे ही सेम आपको एक और बनाना है, यहाँ से हम धागा पुल करके और जो आपका रनिंग धागा है आपको उसको काटना है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा दो सर्कल बने हैं, जिसमें अभी मैं गूगली आई चिपकाऊंगी। ये ऐसे नीचे लेंगे मिडिल में, जस्ट उसके आइस के बीच में, और ऐसे आपको लेफ़्ट साइड ले लेना है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड से, जस्ट उसको जहाँ से आपने लिया है बीच मिडिल में, उसी में ही आपको ये डाउन कर देना है, धागे को ऐसे ले लेना है और ऐसे करके ये पूरा माउथ उसका बन जाएगा। आप चाहे तो स्माइली फेस भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको गठान लगा लेना है। तो यहाँ पर ये गठान लगाने के बाद आपको ये आपका फेस कंप्लीट हो गया है, और ऊपर का भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी वीडियो काफ़ी लंबा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, ये कीचेन अच्छा लगे, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट क्लिप देखिए आप, इन्जॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।